नमस्कार मित्रों मित्रों, हम पिछली वीडियो में मैंने आपको एक हरिजनों की बात बताई थी। आज जैसे कीर्तन मंडली होती है मित्रों, जागरण लोग करवाते हैं, सनातन के लोग जो है जागरण करवाते हैं, तो जागरण की पार्टी को बुलाते हैं। कुछ लोग आते हैं आपके दरवाजे पे, भगवान का पूजन करते हैं, गाना बजाना करते हैं, फिर चले जाते हैं। कीर्तन मंडली होती है, कीर्तन मंडली होती है, उनको बुलाते हैं, वो लोग आते हैं, गाना बजाना करते हैं, भगवान की पूजा आरती करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये आज जिनको हम हरिजन कहते हैं, ये पहले यही काम करते थे कि प्राचीन काल में, भगवान राम के काल में और कृष्ण के काल में कुछ लोगों का समूह होता था कि हर नगर में, हर शहर में, हर कस्बे में, जिनका काम ही होता था कि भाई भगवान का भजन कीर्तन करना। वो लोग वैसे ही ढोल ताशे नगाड़े लेके और झाल करताल लेके, घंटी शंख लेके घूमते रहते थे, और उनकी कुछ मंडली होती थी जिसमें कुछ पुरुष होते थे, कुछ स्त्रियां होती थी। वो लोग भगवान का कीर्तन भजन करते हुए घूमते रहते थे। घर हर घर से कुछ अनाज, पहले जब पैसा था ही नहीं उन काल में, तो वो हर घर से कुछ अनाज लेते थे, जिसके दरवाजे पे भगवान का भजन करते हुए जाते थे, वो लोग उन्हें कुछ अनाज देते थे, और उस अनाज को वो लेते थे, और उन्हीं से उनका घर बार चलता था। उन्हीं को हम हरिजन कहते थे आज उस काल। बाद में जब मुगल आए, 1500 साल पहले मुगल आए, धीरे धीरे जब भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ छल प्रपंच के द्वारा, तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे भाई, ये तो पूरे देश में, भारत में ऐसा ही कि भाई ये तो हरिजन लोग हैं। हरि मतलब आज जिनको हम हरिजन कहते हैं, वो उस समय के, लाइक उस समय यही करते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे मित्र। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने देखा मुगलों ने कि भाई ये तो धर्म का, इनका जो है भगवान का चारों तरफ प्रचार प्रसार, पूरे देश में ये लोग डेली घर घर घूमते हैं, हर नगर में जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। ये तो भाई खतरा है, इनसे तो इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो सबसे पहला टारगेट उन्हें हरिजनों को किया, जो जिनको हम आज हरिजन कहते हैं। सबसे पहला टारगेट उस समय मुगलों ने उनको किया कि भाई इस जाति को अगर हम लोगों ने पूरे देश से नष्ट कर दिया, तो समझो सनातन को नष्ट कर दिया। लेकिन सनातन मित्रों इतनी आसानी से नष्ट होने वाला नहीं है। सनातन अजन्मा है, ये कोई आसमानी किताब नहीं। ये गीता, ये रामायण, ये सब जो सनातन की किताबें हैं, ये सब अजन्मा है। सनातन ही अजन्मा है, सनातन का जन्म नहीं हुआ है। सृष्टि का जन्म मतलब सनातन का जन्म, और सृष्टि का अंत मतलब सनातन का अंत। ये कुछ मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि सनातन को चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये गजवाए हिंद होने वाला नहीं। ये सब भ्रामक बातें हैं। कुछ भी कर लोगे, सनातन का अंत नहीं होगा। सनातन का अंत करने के लिए तुम्हें कोई ऐसी मिसाइल बनानी पड़ेगी कि यहां से छोड़ो तो सूरज खत्म हो जाए, यहां से छोड़ो तो चांद खत्म हो जाए, हवा खत्म हो जाए, मिट्टी खत्म हो जाए, वायु खत्म हो जाए। तो जिस दिन सनातन का अंत होगा मित्रों, उस दिन इस धरती पे हवा ही नहीं रहेगी, तो कोई आप सांस कैसे लोगे? जो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, तुम सांस कैसे लोगे? सनातन का अंत मतलब सूरज खत्म, हवा खत्म, मिट्टी खत्म, आकाश खत्म, सब खत्म। तो
तुम कहां बचने वाले। मित्रों, किसी भी सनातनी को घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, मनुष्य का शरीर भी पंच तत्वों से बना है, इसे पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। किसी भी प्रकार की शुद्धि, किसी भी प्रकार की शुद्धि इस सृष्टि में पंच तत्वों के द्वारा ही होती है। मित्रों, आपको मैं एक बड़ा ही सीधा एग्जाम्पल देता हूं। आप मित्रों कपड़ा अपना धोते हैं, कपड़े की शुद्धि करते हैं, वो भी पंच तत्वों के द्वारा ही करते हैं। आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि कपड़ा धोने के लिए आपको गंध चाहिए, जिसको आप सर्फ कहते हैं, जल चाहिए, और कपड़ा आप वायु में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, खुले आकाश में सुखाते हैं, तो उसका शुद्धिकरण होता है। मित्रों, इनमें से कोई भी एक तत्व अगर आपका कपड़ा धूप में नहीं सूखा मित्रों, या उसको एनवायरनमेंट की हीट नहीं लगी, तो उसमें से एक अजीब प्रकार की बदबू आती है। तो जब बदबू आती है तो कपड़ा शुद्ध नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार के शुद्धिकरण के लिए पंच तत्वों का होना जरूरी है। ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है, और इसको पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। ध्यान से सोचिएगा इस बात को मित्रों, सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी सनातनी को चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र निर्माण करने की जरूरत है, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की जरूरत है। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आगे चल के राष्ट्र का निर्माण करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।